नमस्कार, मैं हूं क्यूटी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज़। कल अदब और एहतराम के साथ पूरा मुल्क ईद का त्यौहार यानी ईद उल फित्र मनाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने आज ईद मना लिया है। ये बड़े शर्म की बात है कि पूरा हिंदुस्तान ईद नहीं मना रहा है, लेकिन कुछ ऐसे नीच सोच के लोगों ने पता नहीं कहाँ से सरी सबूत लाकर लोगों को दे दिया और उन लोगों ने सुबह ईद मना लिया। इस मामले में हमने कई मुसलमानों से बात की तो उनको बड़ी तकलीफ थी और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा तकलीफ हुआ, क्योंकि जब हम लोगों ने सहरी किया और फजर की नमाज अदा की उसके बाद में ऐलान होता है कि ईद आज है। इस मामले में हमारे संवाददाता कमर सिद्दीकी, उनसे जानते हैं कि कितनी है उनकी जानकारी। रमज़ान एक पवित्र महीना माना जाता है। मुसलमानों को पूरे 11 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता है और बड़ी जोश व खरोश के साथ इसका इंतज़ार करते हैं कि एक ऐसा माह भी आएगा, एक ऐसा महीना भी आएगा जो सिर्फ बरकतों का महीना होता है, जो कि रमज़ान का महीना है। हर कोई तैयारी करता है रोज़े की और रोज़ा रखना भी शुरू कर देते हैं। पूरे 30 दिनों का रोज़ा होता है, कहीं कहीं कभी कभी 29 दिनों का होता है। कई बार ऐसा देखने को आता है कि इतना उत्साह होता है लोगों को और इतना खिराज अकीदत होती है कि छोटे छोटे बच्चे, जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं, उनको भी रोज़ा रखवाते हैं घर वाले, और वो बच्चे बड़ी खुशी के साथ दिन भर भूखे और प्यासे रह के रोज़ा भी रखते हैं, जबकि उन छोटे बच्चों को रोज़े की अहमियत भी नहीं पता होती है। बस एक खुशी सी होती है कि हमको रोज़ा रखना है, और इस खुशी का जब फल मिलने को होता है, यानी ईद उल फित्र की नमाज, जब चाँद देख के ईद की नमाज मनाई जाती है और मुसलमानों के अंदर एक खुशी का लहर आता है, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन वहीं पे होता यह है कि कहीं कुछ ऐसे तबके के लोग, इस तरह के लोग जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं हो, जिनको कोई पहचानता नहीं है, वो अपनी पहचान बनाने के लिए उनको गालियां भी मिलें तब भी वो जस्ट ये चाहते हैं कि उनको एक पहचान मिले। ऐसे कुछ लोग निकल के हर साल आते हैं और उनको न जाने कहाँ से चांद दिख जाता है, पूरा हिलाल कमेटी को नहीं दिखता है। अब जो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अलग अलग जगह पे हिलाल कमेटी बन गई है, पूरे हिंदुस्तान में मुझे लग रहा है कि 10 से भी ज़्यादा हिलाल कमेटियाँ हो गई हैं, तो सारी हिलाल कमेटी को नहीं दिखता, किसी एक हिलाल कमेटी को जो स्पेशली कोई ऐसा यंत्र रखे हुआ होता है जो डायरेक्ट उसको जहाँ से सूरज निकलता है वहीं से दिखाई दे देता है, यानी उसको चाँद रात में 12 बजे भी दिख जाता है, 1 बजे भी दिख जाता है, सुबह फजर की नमाज के बाद कहीं कहीं ऐलान होता है कि आज ईद उल फित्र की नमाज होगी, और कुछ ऐसे अंधभक्त भी होते हैं जो उस एक पर्टिकुलर इंसान की बातों को सुन भी लेते हैं और उसकी अंधभक्ति में जाके नमाज भी पढ़ लेते हैं वहीं पर, और बाकी मुसलमानों की खुशियों के ऊपर फेर देते हैं पानी। यही देखने को इस बार भी मिला है इस ईद उल फित्र की नमाज में। जैसे अभी आज चांद भी नहीं हुआ है, अक्सर ये होता है कि सऊदीया अरब में एक दिन पहले भारत से नमाज होती है, यानी ईद की नमाज या ईद का चांद जो है एक दिन पहले दिख जाता है, उसके बाद इंडिया में दिखता है ड्यू टू डिस्टेंस। लेकिन वहाँ भी, यानी सऊदी अरब में भी आज ईद मनाई गई है, मतलब आज हमारे यहाँ भारत में ईद का चांद निकलेगा, लेकिन कुछ अंधभक्तों ने पहले ही ईद मना ली है और बाकी मुसलमानों के ऊपर मारा है एक तमाचा। आइए अब हम जानते हैं कुछ अकीदतमंदों से कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जी सही साहब, आप बताएं। ये अफसोस की बात है कि आज हमारे हिंदुस्तान के चंद जिलों में जो है ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ ली है लोगों ने। ये सऊदी अरबी में 29 यानी 30 का मकम्मल रोज़ा जो है आज पूरा हुआ। सऊदी के लोगों ने आज अगर ईद मनाई है तो हम लोगों को कल मनाना चाहिए। अभी चांद कहीं देखा नहीं गया है, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए, अपनी वर्चस्व को कायम करने के लिए लोगों को गुमराह कर देते हैं और गुमराह कर ले गए हैं। हमारे बलरामपुर जनपद में भी 2-3 जगह ईद उल फित्र की नमाज़ लोगों ने पढ़ ली है, मऊ में भी पढ़ ली है। तो ये कौम को गुमराह करने वाली एक टीम चल रही है जो मेरी कौम को गुमराह करना चाहती है। लेकिन अभी 85% मुसलमानों ने हिंदुस्तान की ईद उल फित्र की नमाज़ नहीं पढ़ी, केवल 5-10% लोगों ने रोज़ा तोड़ दिया है। शायद वो रोज़ा रहते रहे हों या ना रहते रहे हों, जिनको बहुत इमरजेंसी रही हो, लेकिन हम लोग 30 रोज़ा मुकम्मल करेंगे और इंशाअल्लाह कल ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ेंगे। प्रशासन ने हम पर रोक लगा दी है कि ईदगाह और मस्जिदों में आप नहीं पढ़ेंगे, फिर भी हम इंशाअल्लाह अपने अपने घर में सुन्नत और नफिल पढ़ के ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करेंगे। दुआ मांगे इस पर पाक परवरदिगार आलम से कि अल्लाह हिंदुस्तान के ऊपर जो वबा है ये बीमारी है, इसे ख़त्म कर दो, कि हम लोग हिंदू मुसलमान सब मिल करके अपनी अपनी त्यौहार सुकून से मनाएं, इज्जत के साथ मनाएं। आज जो प्रशासन हम पर प्रेशर बना रही है, 2 सालों से हमें ईद उल फित्र की नमाज़ नहीं पढ़ने दे रही, भाई तो प्रशासन की मजबूरी है कि शासन आदेश होगा तब प्रशासन रोक रही है। लेकिन चंद लोगों को छुट्टी मोहलत देना चाहिए कि मस्जिदों में और ईदगाह में जाकर नमाज
सोशल डिस्टेंसिंग को कायम करके पढ़ लिया जाए। इतनी प्रेशर भी नहीं बनानी चाहिए शासन और प्रशासन को मुसलमानों पर कि आप लोग ईदगाह और क्या नाम है मस्जिदों में ना जाएं। प्रशासन को ये सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आगाह करना चाहिए कि आप जाइए और नमाज़ पढ़े, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए जिससे कि ये वबा जो है, बीमारी जो है, हम लोगों को निजात दे। और हम लोग दुआ करते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे दुनिया आलम के लिए कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में और इस पाक मुकद्दस रमज़ान के सदक़े में जो है ये वबा को ख़त्म कर दो कि ताकि हम लोग सुकून और इज़्ज़त के साथ रहें। वाखिरी दावत अलहम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हजरत ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन कहीं भी ईद नहीं मनाई जा रही है, केवल 3 से 4 जिलों को छोड़कर, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, ये ईद के ताल्लुक जो होता है वो चांद से माना जाता है जी। जिन लोगों ने ईद मनाया है या तो उन लोगों ने चांद देखा है जी, या उन्हें सबूत शरई मिल गई है जी। जैसा कि खबर मिली है कि घोसी और गाजीपुर में शवाल मुकर्रम का चांद देखा गया है जी। लोगों ने चांद देखा है, और जो आप 2-4 जिलों की बात कर रहे हैं, फैज़ाबाद वगैरह में, तो ये लोग सबूत शरई लेकर आ चुके हैं। सबूत शरई क्या होता है कि जिसने चांद देखा है वो काजी के पास जाए और अपनी गवाही पेश करें कि हमने चांद देख लिया, और वो गवाहान काजी की मौजूदगी में फिर दूसरे काजी को या दूसरी जगह के लोग जब पहुँचेंगे तो उनको उस चीज़ के सबूत देंगे और लिखित तौर पर वो लिख के देंगे कि हमने चांद को देखा है। तो जो चीज़ लिख के वो देते हैं तो वो फिर लाकर सबूत शरई इसी को कहा जाता है, और उसको लेकर अपनी जगह पर पहुँचते हैं और फिर ऐलान करके ईद की नमाज अदा की जाती है। दिन का मसला भी ये है कि चांद देखकर ईद करो, और अगर चांद नहीं दिखाई देता है और सबूत शरई नहीं मिलती है तो फिर 30 पूरा करो। तो जिन लोगों ने चांद देखा या उन्हें सबूत शरई मिल गई, उन लोगों ने ईद मनाई है, और जिन लोगों को सबूत शरई नहीं मिली, चांद नहीं दिखाई दिया, वो लोग आज भी रोजे से हैं और दोनों लोग हक पर हैं, सच्चे हैं।